नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ग्रो मोर ट्रेडिंग में। दोस्तों तो आज हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे दोस्तों शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। दोस्तों इसमें आने वाले दिनों में F&O ट्रेडिंग के लिए क्या टारगेट और क्या स्टॉप लॉस हो सकते हैं और क्या हमारे बेनिफिट हो सकते हैं, तो किस तरीके से हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। दोस्तों ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली है दोस्तों, लंबे टाइम फ्रेम की जो एक रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ कर रही है दोस्तों, और दूसरी तरफ हम एक सपोर्ट लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों ये हमारी सपोर्ट लाइन आ रही है दोस्तों, इसको काफ़ी समय से सपोर्ट लेकर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कंसोलिडेशन ही कर रहा है दोस्तों, और ज़्यादातर ना हाई ब्रेक कर रहा है ना लो ब्रेक कर रहा है दोस्तों। तो आने वाले दिनों में इसमें क्या टारगेट रह सकते हैं और दोस्तों F&O में और किस तरीके से हमें काम करना चाहिए जानेंगे उसी को। तो चलिए दोस्तों हम थोड़ा सा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों। आप मैंने यहाँ पे अभी एक मल्टीपल टाइम का रेजिस्टेंस आइडेंटिफाइड किया है दोस्तों, जहाँ पे अभी आप ये ट्रेड कर रहा है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का शेयर दोस्तों। ये ओनली फॉर मार्केट की ग्लिचिंग की वजह से, जो आज मार्केट वन में भागा है दोस्तों उस वजह से ऊपर गया है दोस्तों शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दोस्तों। और आने वाले दिनों में जो यहाँ पे आप देखेंगे आइडेंटिफाइड करेंगे तो इसने मल्टीपल टाइम का रेजिस्टेंस लिया हुआ है दोस्तों। इसी प्राइस पे आप ये एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया दोस्तों, और यहाँ पे काफ़ी दिन कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट लिया है दोस्तों, और उसके बाद फिर यहाँ पे बगैर कंसोलिडेशन के गिरावट आती है दोस्तों थोड़ी बहुत, तो फिर उसके बाद गिरावट को आइडेंटिफाइड करके फिर सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं दोस्तों। फिर इसमें तीसरी बार में काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिलती है दोस्तों। तो इसी तरीके का कोई चार्ट पैटर्न अभी यहाँ पे होने वाला है दोस्तों आने वाले दिनों में। आपको ये जो रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ पे ज़्यादातर कम से कम 4 से 5 दिन यहीं पे कंसोलिडेशन होना पड़ेगा दोस्तों, अगर इसको ऊपर जाना है दोस्तों शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। यहाँ पे 4 से 5 दिन इसको कंसोलिडेशन होना पड़ेगा इस शेयर को दोस्तों, इस लेवल को एज आइडेंटिफाइड करने के लिए दोस्तों कि हाँ इसको ब्रेक करने के लिए शेयर तैयार है कि नहीं दोस्तों। अगर ये एकदम से गैप अप ओपनिंग के बाद डाउनसाइड की तरफ कोई कैंडल बन जाती है दोस्तों बेरिश इंगल्फिंग, तो आने वाले दिनों में आपको दोस्तों ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं F&O ट्रेडिंग में 104 रुपये तक के, जिसको काफ़ी बार सपोर्ट लिया है दोस्तों शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। तो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।